ऐसा आपने क्यों किया माँ? क्यों चाबी का तीसरा हिस्सा शातिर परी को दे दिया? माँ मेरे मना करने के बावजूद भी आपने शातिर परी को चाबी क्यों दी? क्यों दी माँ? शांत हो जाए बालवीर, शांत हो जाए। बालवीर हमने और बाल परी ने जो कुछ भी किया आपको बचाने के लिए किया, क्योंकि महाविनाशनी और सेनापतियों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो आप हैं बालवीर। लेकिन रानी परी, बालवीर अकेला उन सबका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब चाहे कुछ भी हो, आप चाबी के चौथे हिस्से को लेकर कहीं छिप जाइए। आपको किसी भी हाल में उन चारों सेनापतियों से और शातिर परी से बचकर रहना होगा। नहीं बाल परी, समस्या से भागना नहीं बल्कि समस्या का सामना करके उसे जड़ से मिटाना ही समस्या का हल होता है। बालवीर, बालवीर आपकी सेना का क्या हुआ? क्या आपने अपने सेनापति चुन लिए? हाँ रानी पर, मैंने अपने सेनापति चुन लिए। कौन है वो सेनापति बालवीर? मानव, महर और मौंडू। हाँ रानी पर, अब मैं, मानव, महर और मौंडू एक साथ एक ही समय पर चारों सेनापतियों का अंत करेंगे। बालवीर तुम आ गए, हम दो तो डर ही गए थे। हाँ, पर वो दो बुरे लोग कौन थे जो तुम्हें यहाँ से ले गए थे? हाँ? वो बुराई के रक्षक सेनापति थे, और वो दो नहीं चार। चार? लेकिन हमें पता है बालवीर, तुमने उन चारों का अंत कर दिया होगा। हाँ? है ना? नहीं मालूम, मैं उनका अंत नहीं कर सका और मैं अकेले उनका अंत कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनका अंत करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर उन चारों सेनापतियों का एक ही साथ अंत करना है तो तुम्हें भी मेरे साथ उनसे लड़ना होगा। हमें? हमें उनसे लड़ना होगा? नहीं नहीं बालवीर, मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि तुम तो इतने पावरफुल हो, फिर भी तुम उनका अंत नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाए? अरे मानव, एक मिनट। बालवीर, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो तो कितने खतरनाक और शक्तिशाली है, और तुम खुद उनका अंत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक उन सेनापतियों को एक साथ एक ही समय पर समाप्त ना किया जाए उनका अंत नहीं हो सकता। अब मैं एक ही साथ एक ही समय पर उनका अंत तो नहीं कर सकता, और इसलिए मुझे तुम दोनों का भी साथ चाहिए। देखो चिंता मत करो, जितने शक्तिशाली वो है उतना ही शक्तिशाली मैं तुम्हें भी बनाऊंगा। जैसे शस्त्र उनके पास है उतने ही शक्तिशाली शस्त्र मैं तुम्हें भी दूंगा। ठीक है बालवीर, पर बालवीर अगर हम दोनों तुम्हारे साथ आएंगे तो हम तो सिर्फ तीन ही होंगे, और उन चार बुरे सेनापतियों का अंत करने के लिए हमें एक और साथी की जरूरत है ना? तो चौथा साथी कौन है बालवीर? पता नहीं अभी भी करंट है या नहीं मुझमें। रॉकी भैया, आपके लिए पॉपकॉर्न बना दूं ना? हाँ हाँ बना दीजिए। मीता बहू, ये लो प्रसाद। आई मासी, लाइए। अरे तुम भूल गई, प्रसाद लेने के बाद उसे छूते हैं वो। भूल गई? क्या छूना चाहिए? अरे जिसे मैं मंदिर से आई वो। रिक्शा? अरे नहीं नहीं, जिस पे मैं चलती हूँ वो। बैटरी? अरे नहीं गधेड़ा, बैटरी नहीं आवे। रॉकी भैया, बैटरी पे भला कोई चलता है? जिसे छूने से आशीर्वाद मिलते हैं ना वो स्मिता। अच्छा अच्छा, पाँव? Exactly. हाँ पाँव, पहले क्यों नहीं बताया? चल छू, पैर छू। सॉरी मासी। हाँ आशीर्वाद। रॉकी बेटा, ये लो प्रसाद लो। लो बेटा ये लो। अगर मैंने प्रसाद लिया तो मासी को करंट लग जाएगा। अरे लो, ले लेता हूँ।
शायद अब मुझ में करंट ना हो। इसने सोचता क्या है, ले ले। बालवीर जी देखिए, मुझे नहीं लड़ना, नहीं लड़ना है मुझे। बालवीर जी मुझे माफ कर दो, ये काम मैं नहीं कर सकता, माफ कर दो मुझे। नहीं 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 नहीं, देखिए बालवीर जी, मैं सेनापति से नहीं लड़ सकता, वो कितने खतरनाक है, और मैं नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा। सॉरी बालवीर जी। मोंटू सही कह रहा है, वो हमारी टीम में होने के लायक नहीं है। जाओ जाओ, तुम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के गैंग में शामिल होने के लायक नहीं हो। सुना बालवीर, इसे सिर्फ हमें परेशान करना आता है, और लड़ाई के समय ये हमारी मदद नहीं बल्कि उल्टा हमें और मुसीबत में डालेगा। राइट, तुम्हें सेनापतियों से नहीं, तुम्हें मुझसे ज्यादा डरना चाहिए। बालवीर, इसलिए अगर मोंटू तुम्हारी टीम में, तो हम तुम्हारे साथ नहीं दे सकते। सही कहा बालवीर, की और मोंटू की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। बालवीर, तुम इस मोटे पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन हम कभी नहीं करेंगे। हाँ, इसे या तो फिर ये मोंटू तुम्हारे सेना में होगा, या तो हम। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे साथ सेना भी किसको है। ओ, हाँ। मुझे भी कोई शौक नहीं तेरी सेना में रहने के। ओके? हाँ। जाओ या दूंगा एक। तू जा इधर से। हाँ। मुझे तेरी तो बस करो आपस में लड़ना। मैंने तुम तीनों को आपस में लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन बुरे सेनापतियों के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया है। मानो मेहर मोंटू, तुम तीनों के अंदर अलग अलग खूबी, और वही देखकर मैंने तुम तीनों को चुना है। मेहर, जब तुम निशानेबाजी कर रही थी, तब मैंने तुम्हें वो आक्रामकता देखी जो एक योद्धा में होनी चाहिए। और मानो मेहर अगर आक्रामक है, तो तुम बिल्कुल रक्षात्मक योद्धा की तरह उन गुब्बारों से बच रहे थे। और युद्ध में आक्रामक और रक्षात्मक योद्धा दोनों होना बहुत जरूरी है। बालवीर, हम भी तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन इस मोटे को नाम तोड़फोड़ के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। नहीं मानो, पंजा लड़ाने के समय मैंने देखा कि सब मोंटू का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तो और इसके सामने वाला खिलाड़ी इससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी मोंटू डटा रहा, उसने अपना मनोबल नहीं टूटे दिया, और अंत में विजय भी प्राप्त। लेकिन फिर भी अगर तुम तीनों को लगता है कि तुम तीनों को एक साथ चुनकर मैंने गलती की है, तो ठीक है, मुझे तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही उन चारों सेनापतियों से लड़ सकता और लड़ूंगा। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता मानो मेहर मोंटू, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि जब मेरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है, तो क्या तुम सब मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहोगे या नहीं। बालवीर, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। बालवीर जी का साथ दे देते, क्योंकि अगर हम जीत गए तो बालवीर जी मेरे दोस्त बन जाएंगे, और फिर बाद में मैं उन्हें अपनी टीम में लेकर विद्यों का बैंड बजाऊंगा। आज अगर रानी परी सारा खेल नहीं बिगाड़ती, तो चाबी का चौथा हिस्सा भी मेरे पास होता। महाविनाश, चाबी का चौथा हिस्सा भी शतर जरूर लेकर आए। हरी परी, शातिर परी,
निकम्मे कहीं के। तुम्हारे बस की बात तो है ना तोबा तोबा। इस बार बालवीर से लड़ने के लिए इसे अकेले ही भेज देते हैं। अरे आप बिना है मान जाते पूरा हर बात पे मेरा। अरे कहाँ मैं आसमान का फूल और कहाँ आप धरती की धूल। आप आसमान का फूल मैं धरती की धूल। तो ठीक है आज तुम्हें धूल में ही मिला देते हैं। सही कहा दंशिका, आज इसे धूल में ही मिला देता हूँ। छोड़ो तौबा तौबा को। शुक्रिया शुक्रिया महाप्रताष्टी शुक्रिया। सही कह रहा है तौबा तौबा, चाबी का आखिरी हिस्सा लाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हमारा सामना रानी परी से होने वाला है। हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा, इतना बड़ा कि रानी परी खुद छुपकर चाबी का आखिरी हिस्सा हमें दे दे। लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं? रानी परी की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे। जाओ जाकर पता लगाओ कि बहुत सारे अच्छे बच्चे एक साथ कहां मिलेंगे। रॉकी भैया ये लीजिए आपकी कचौरियां। उसे छूना मत करंट लगेगा। अरे हाँ अच्छा हो बापूजी आपने मुझे रोक लिया वरना अभी मुझे भी झटके खाने पड़ते। सॉरी रॉकी भैया। अरे ये क्या बात होती है बापूजी? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है पर सब लोग मुझसे क्यों दूर जा रहे हैं? करेक्ट बापूजी। बापूजी रॉकी को छूते ही झटके लगते हैं उसमें रॉकी की क्या गलती है? हाँ इसमें इसकी कोई गलती नहीं और इसीलिए मैंने इसका इलाज भी ढूंढ लिया क्योंकि रॉकी तो चलता फिरता पावर हाउस है। हाँ घर का सारा पावर हम रॉकी से यूज करेंगे इससे क्या होगा क्या? कि रॉकी की बिजली कम हो जाएगी और हमारे पैसे बच जाएंगे। क्या बात है बाबूजी क्या बात है मस्त आइडिया निकला। क्या चार्जिंग भी चालू हो गया। अरे वाह फ्रिज भी चालू हो गया। क्या बात कर रहे हो? हां अरे वाह वाह क्या बात है। इसे कहते हैं बचत। रानी परी रानी परी। यह है मेरी अच्छाई और सच्चाई की सेना जो एक ही साथ एक ही समय पर उन चारों सेनापतियों का अंत करने में मेरी मदद करेगी। बच्चों हमें इस बात की बहुत खुशी है कि बुराई के विरुद्ध इस युद्ध में आप बालवीर का साथ देंगे। लेकिन बालवीर एक बात याद रहे ये युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला है इसीलिए कोई भी चूक होने ना पाए और ये तीनों बच्चे किसी भी खतरे में ना पड़े। रानी परी मुझे बालवीर पे पूरा भरोसा है। हाँ रानी परी बालवीर के होते हुए बुराई हमें छू भी नहीं पाएगी।
और मोंटू आप, क्या आप इस युद्ध के लिए तैयार? नहीं। ये? पहले नहीं था पर अब हूँ। हाँ, जब बालवीर जी हो अपने फ्रेंड तो होगा दुश्मनों का दी एंड। क्या बात है, शाबाश बच्चों, शाबाश। आप चिंता मत कीजिए रानी पर, मैंने इन तीनों को इनकी विशेष खूबियों के अनुसार ही चुना है। अब आप इन्हें इनकी खूबियों के अनुसार वस्त्र और शस्त्र भी दे दीजिए। हाँ बालवीर, लेकिन बालवीर उससे पहले हम यहाँ एक सुरक्षा कवच लगाना चाहते हैं, ताकि आप जो अपनी सेना को यहाँ तैयार कर रहे हैं, कोई उसे देख ना पाए और ना ही इसके बारे में कुछ सुन पाए। हम यहाँ एक ऐसा सुरक्षा कवच लगाएंगे कि कोई बाहर से खुद तो क्या, उसकी आवाज भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाए। तो अब बताइए बाली, आपके इन तीनों सेनापतियों की विशेष खूबियां क्या है? रानी परी, मेहर की खूबी उसका अचूक निशान है और इसीलिए वो संभालेगी आक्रमण। मानव की विशेषता है हर वार को बेकार करना, उसका रक्षात्मक होना। विशेषता है उसकी जीत का निश्चय, उसके विध्वंस करने की ताकत। दोस्तों खुश रहो। दोस्तों मोतिहारी बिहार से अभी कुमार, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शाहनवाज अली, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुहेल खान, न्यू दिल्ली से हर्षित गर्ग, इंदौर मध्य प्रदेश से ऋचा दर्दा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से वैभव गौत और सीतामणि बिहार से कुणाल कुमार राज ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे उगाते हैं, उन्हें हमेशा पानी देते हैं और खाद भी डालते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है भावनगर गुजरात से निहार गोयल ने। दोस्तों निहार ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो गर्मी के मौसम में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पेड़ पौधों को पानी देते हैं और साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी भर के रखते हैं। बहुत अच्छे, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए निहार। तो दोस्तों
अगर निहार की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर किया है किसी की मदद तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए sabtv.com पर क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.